वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो वेक्टर है, वेक्टर जिसे हम सदिश भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसे सदिश कहते हैं। सदिश मतलब एक ऐसी राशि जिसमें दिशा भी हो, सदिश। ठीक है, तो वेक्टर जो होता है, जनरली हम वेक्टर को V से या A से या B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर हैं ये बताने के लिए हम इनके ऊपर एक एरो का निशान बना देते हैं। ठीक है, तो ये एरो के निशान से हमें पता चलता है कि ये वेक्टर है। अब आपको ये जानना होगा कि भाई वेक्टर में अलग क्या होता है, ठीक है, या फिर दूसरी राशि कौन सी होती है जिससे ये अलग होती है। तो दूसरी राशि होती है अदिश, ए बी सी। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ए बी सी, तो इन ए बी सी के ऊपर मैंने वेक्टर का निशान नहीं लगाया, जबकि मैंने इन सब के ऊपर एक एरो का निशान लगाया जो वेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल होता है, ठीक है, एरिया, या फिर सपोज वेट होता है, भार। ठीक है, तो ये जो भी राशि है, क्षेत्रफल, भार, तो इन सब राशियों का या इन सब राशियों की कोई भी दिशा नहीं होती। ठीक है, इन सब राशियों का केवल मान होता है, जैसे कि 10 स्क्वायर फिट का एरिया आपका एक कमरे का होगा। ठीक है, या फिर किसी का भी वजन जो है वो 500 किलो है, तो ये एक अदिश राशि होती है जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ लिखूं वेग, वेग, ठीक है, या त्वरण, तो वेग अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं या आप में से कोई भी एक बाइक चला रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा है। अब इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको ये भी पता चले कि वो आपके पास आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई मान लीजिए शाम का इंतज़ार कर रहा है राम, अब अगर राम को केवल ये बता दिया जाए कि शाम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा है, तो राम क्या कंक्लूज़न निकालेगा शाम के बारे में। ऐसा भी तो हो सकता है कि शाम जो है वो राम से दूसरी साइड, अपोजिट साइड जा रहा हो, और राम खड़ा ही रह जाए पूरे टाइम और शाम पहुँचे ही नहीं, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड जा रहा था। या फिर हो सकता है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट नहीं जाए, उससे कुछ 45 डिग्री का एंगल बना के चल रहा हो, तो भी वो राम तक नहीं पहुंचेगा। तो हमें इस 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड के साथ में उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बाइक चला रहा है। तो ये जो कंप्लीट क्वांटिटी हुई, ये कंप्लीट जो सूचना, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन हुई कि कितनी स्पीड है और कौन सी दिशा है, तो ये जो कंप्लीट सूचना हुई इसे ही हम वेग कहते हैं। ठीक है, तो वेग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो मान होता है और एक दिशा होती है। ठीक है, तो सदिश की दो चीजें होती हैं, एक मान होता है जिसे हम परिमाण भी कहते हैं, और दूसरी दिशा होती है। ठीक है, इसी मान को हम मापांक भी कहते हैं। ठीक है, मापांक या मॉड्यूलस, ठीक है, मापांक या मॉड्यूलस भी कहते हैं। ठीक है, और ये होती है दिशा या डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी सदिश राशि के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मापांक और एक होती है दिशा। तो ये दो चीजें जब मिलती हैं तो वो सदिश बनती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जब केवल 10 था, 10 किलोमीटर पर आवर, तब ये केवल चाल थी, इस चाल को वेग बनाने के लिए हमने इसमें दिशा भी ऐड की कि किस दिशा में।
ठीक है। तो ये बेसिक अंतर होता है अदिश में और सदिश में। अदिश के साथ दिशा नहीं होती और सदिश के साथ दिशा भी होती है, मतलब अदिश केवल ये क्वांटिटी था और सदिश ये दोनों था, ठीक है। तो हमेशा ये बताया जाता है कि दिशा क्या है। अब अगर हमें किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सदिश राशि को, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक बिंदु है, यह बिंदु है P, ठीक है, और मैंने एक और बिंदु बनाया Q, ठीक है। तो अगर मैं एक वेक्टर लिखता हूँ PQ, तो PQ यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगाया है, तो PQ का मतलब हुआ बिंदु P और Q के बीच की दूरी। मान लीजिए ये दूरी 3 है, 3 यूनिट। अब आप इंच भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर, आप जो भी लेना चाहें, मैं 3 यूनिट लेता हूँ, इकाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो PQ तो हो गया 3 यूनिट। तो अभी ये राशि अदिश है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन होता है, हम चाहें तो P से Q की डायरेक्शन लें, और अगर हम चाहें तो Q से P की डायरेक्शन लें, ठीक है। ये इनिशियली आपके पास ऑप्शन होता है, मगर क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्शन ऑलरेडी दी होती है। अब अगर हम मान लेते हैं P से Q की डायरेक्शन है, तो हम इस वेक्टर को इस तरह से लिखें। अब ये हो गया P से Q डायरेक्शन की तरफ वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा P से Q डायरेक्शन के लिए इनिशियल या इकाई सदिश। ये दो चीज़ें आ गई। अब क्या क्या आया? एक तो आया परिमाण, जो कि पहले भी था, यूनिट 3, मतलब P से Q के बीच की दूरी, P से Q की लेंथ, 3 हो गई। दूसरा जो पार्ट मैंने लिखा PQ और कैप, ये कैप लगाने से हमें पता चल जाता है कि आप इकाई सदिश की बात करते हैं। इकाई सदिश क्या होता है, अभी हम इसे देखेंगे, मगर ये मान लीजिए कि ये जो दिशा बताने का काम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ने किया था, वही काम ये कर रहा है। ये जो पी क्यू है, इससे इस 3 पर, इस लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दिशा दिखाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू कैप लिखा है मैंने, इसका मापांक 1 होता है, इकाई होता है, इसीलिए हम इसे इकाई सदिश भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर, तो अभी ये क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, तब तक हम इसको इसी तरह से समझते हैं कि किसी भी वेक्टर के लिए हम एक तो मापांक और एक दिशा। अब इसमें ये जो पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी जो होता है, ये पॉइंट कहलाता है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अगर आपने दिशा ली P से Q की तरफ, ये दिशा, तो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ? P से, तो P हुआ इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, जहां से वेक्टर शुरू हुआ। Q क्या है? Q है अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु, ठीक है। तो PQ में P तो हुआ इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और Q हुआ टर्मिनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित कर सकते हैं दो बिंदुओं की मदद से, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि वेक्टर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर के प्रकार जानने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। तो वेक्टर एक ऐसी भौतिक राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा, वही दोनों चीज़ें, परिमाण और दिशा दोनों विद्यमान होती है, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों विद्यमान
होती है सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, मतलब इसमें उन दोनों चीजों का प्राप्त कर सकते हैं, परिमाण मतलब मॉड्यूलस और दिशा मतलब डायरेक्शन। ठीक है, तो अ फिजिकल एंटिटी विच हैज मॉड्यूलस एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जिसके पास मॉड्यूलस भी हो डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस हमने बोला, तो मॉड्यूलस जो होता है, मॉड्यूलस को अब मान लीजिए एक वेक्टर है ए, तो इसके मॉड्यूलस को हम मॉड ऑफ ए कहते हैं। जैसे हमने पी क्यू इज इक्वल टू 3 लिखा था जो इसका परिमाण था, तो हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 3। जब आप केवल परिमाण की बात करते हैं तो हम उसे एक ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, वेक्टर को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि आप परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसका परिमाण होता है 3। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये पी क्यू कैप जो मैंने लिखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसका परिमाण ब्रैकेट लगा के परिमाण लिखा तो ये 3 आ गया। तो मैं ये आपको ये भी बता दूं कि पी क्यू मैंने जो लिखा था कैप, इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसका परिमाण हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये तो होता है परिमाण या दिशा। दूसरा होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होता है वो कैप लगा के दिखाया जाता है, ए कैप या पी क्यू कैप। ठीक है, तो जब कैप लगाई जाती है ओनली, तो उससे हमें पता चलता है कि आप केवल दिशा की बात कर रहे हैं, अब इसका परिमाण 1 है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी जो हमारी, एक फॉर्मल डेफिनेशन थी और एक मॉड्यूलस और डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जीरो और नुल वेक्टर, शून्य सदिश। ठीक है, अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है, एक प्रारंभिक बिंदु, एक अंतिम बिंदु। तो अगर किसी वेक्टर के लिए, अगर किसी सदिश के लिए P और Q, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक हो जाएं, ठीक है, दोनों के दोनों एक हो जाएं, तो वो शून्य या नुल या जीरो वेक्टर कहलाता है, और इसे हम जीरो बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है शून्य वेक्टर। दूसरा वेक्टर जो हमने पढ़ाई था अभी, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ठीक है, तो इकाई सदिश, इकाई सदिश मतलब वो सारे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है। अगर मैंने एक वेक्टर लिखा, इसका परिमाण 1 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A जो है वो इकाई सदिश है, मैं इसको A कैप से डिनोट करता हूँ। हमेशा इकाई सदिश को A कैप या PQ कैप या और कुछ भी हो, B कैप, C कैप, हमेशा कैप से दिखाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आप एक इकाई सदिश, एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड, लाइक एंड डिसलाइक, लाइक और अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, मतलब एक जैसे और अलग अलग वेक्टर। ठीक है, तो एक जैसे वेक्टर या लाइक वेक्टर होते हैं जिनमें डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है।
ठीक है, ये याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ही होती है, परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनका डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। और अनलाइक, अनलाइक में अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो लाइक में सेम डायरेक्शन, अनलाइक में अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हम परिमाण की बात नहीं कर रहे हैं, परिमाण इक्वल या अनइक्वल कुछ भी हो सकता है, मगर उनकी दिशा या तो समान होती है या विपरीत होती है, ठीक है। तो ये समान या असमान कहलाते हैं, ठीक है। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, संरेखीय या समानांतर सदिश, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने लाइक और डिसलाइक पढ़ा था। लाइक में क्या था कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती थी, ठीक है। मगर अब अगर ये एक ही रेखा पर हो, ठीक है, एक ही रेखा पर हो, या इनका जो सपोर्ट लाइन होती है वो एक ही हो, ठीक है। मतलब अगर मैंने इस तरह से एक वेक्टर बनाया, ये तो था पी क्यू, और मैंने एक वेक्टर और बनाया, ये हो गया आर एस, ठीक है। मतलब पी क्यू एंड आर एस दोनों की सपोर्ट लाइन सेम है, ठीक है। तो ये कोलिनियर संरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो मैं कहूंगा सदिश P तथा PQ एंड RS आर कोलिनियर, PQ तथा RS संरेखीय सदिश हैं, ठीक है। पांचवा लिखते हैं, पांचवा होता है कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है, समान प्रारंभिक बिंदु सदिश, मतलब वो सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है। उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर मैंने एक वेक्टर लिखा पी क्यू और दूसरा वेक्टर लिख दिया पी एस, पी क्यू और पी एस, तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों सदिश जो होंगे वो को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, वो होता है को टर्मिनल, ठीक है, को टर्मियस वेक्टर। इस वेक्टर का क्या होगा, आप इससे समझ सकते हैं, ये को इनिशियल वेक्टर था तो ये को टर्मिनियस वेक्टर है। मतलब कि जब दो वेक्टर एक ही बिंदु पर जाकर समाप्त होते हैं तो वो दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं, मतलब पी एस एंड क्यू एस, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर कहलाते हैं को टर्मिनियस वेक्टर। अब होता है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर या समतलीय सदिश। अब देख रहे हैं आप, जैसे मेरे पास ये कागज है, ये एक तल है, ठीक है, एक तल है, ठीक है ना। तो अगर दो सदिश एक ही तल के ऊपर हो, ठीक है, तो वो कोएक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। मगर अगर वो अलग अलग तल पे हो तो वो समतलीय सदिश नहीं कहलाते। अब अलग अलग तल का मतलब क्या होता है, तो अलग अलग तल का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये वेक्टर हो गया पी क्यू, ठीक है, और एक लाइन
मैं एक पेज थोड़ा सा अगर मैं ये जो दूसरा पेज है इसे निकालता हूँ तो अब आप देख सकते हैं एक तल तो यहाँ पे है, दूसरा तल इससे थोड़ा नीचे है ये पेज। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाता हूँ, इस पे लिखता हूँ आर एस, ठीक है, तो जब मैं लिखूँगा पी क्यू और आर एस तो ये दोनों समतलीय नहीं है क्योंकि ये इस तल पे है और ये इस तल पे है, ठीक है। इसकी बजाय अगर मैं यहीं पे एक और वेक्टर बना देता एल एम, ठीक है, तो एम एल वेक्टर जो होता वो समतलीय वेक्टर होता पी क्यू के साथ, ये दोनों वेक्टर समतलीय होते, मगर ये वेक्टर इन दोनों के साथ समतलीय नहीं था, ठीक है। तो ये होता है तल, तल मतलब एक ही लेवल पे हो तो वो दोनों वेक्टर समतलीय कहलाते, अदरवाइज असमतलीय वेक्टर कहलाते, ठीक है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, हम घर पे भी देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें अलग अलग तल का, जैसे आपका एक तो पलंग होता है, एक फ्लोर होता है, अगर आप एक फ्लोर पे दो व्यक्ति बैठे हैं एक साथ तो वो एक समतलीय कहलाएंगे दोनों व्यक्ति, मगर एक व्यक्ति अगर पलंग पे और एक फ्लोर पे बैठा है तो वो असमतलीय सिटिंग कहलाएगी, असमतलीय बैठक कहलाएगी, जब दोनों एक ही तल में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे मैंने ये पी क्यू लिखा तो मैं इसको क्यू पी नहीं लिख सकता था, क्यू पी लिखता तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो इसका इनिशियल पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट होता है, इसीलिए मैंने इसको पी क्यू लिखा, ठीक है। क्यू पी अगर मैं लिखता तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं रहती, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो जाती, ठीक है। ये याद रखिएगा इस चीज़ को कि आप क्यू पी कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, अब देखिए अगर हमारे पास एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, तो इसके समान मापांक का, परिमाण का, मैग्नीट्यूड का वेक्टर जिसकी दिशा इससे बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक है, वो वेक्टर जो इसके समान परिमाण का हो मगर उसकी दिशा इससे विपरीत हो तो उसे बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर। अब मान लीजिए कि पी क्यू बराबर है ए वेक्टर, ठीक है, तो इसका अपोजिट जो वेक्टर होगा क्यू पी वो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर हुआ। इसका परिमाण तो ए ही है मगर इसकी दिशा जो होगी वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वेक्टर्स के प्रकार, ठीक है। अब एक बहुत जर्नल एक वेक्टर आपने पढ़ा होगा वो होता है बल, ठीक है, तो बल आपने जैसे पढ़ा है कि बल, हम जब आपने अपने सब्जेक्ट्स में और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा तो हम बल की दिशा में उसको एक जगह से दूसरी जगह भी लगा देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि एक पत्थर पर बल लग रहा है, आपने पढ़ा कि यहाँ इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि अगर जब हमें इसको मॉडलिंग करना होता है, हमें इसे कॉपी के अंदर बनाना होता है तो हम एक पॉइंट देके और इस पैरेलल ये जो डायरेक्शन है, मान लीजिए ये एक्स अक्ष के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जब हम इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हम इसको एक 30 डिग्री के एंगल वाली लाइन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी वेक्टर को किसी पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस आप रिप्लेस कर सकें तो वो जो वेक्टर होता है वो कहलाता है लोकलाइज्ड वेक्टर, स्थानीयकृत सदिश या फ्री वेक्टर, ठीक है। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर के लिए इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती, फ्री वेक्टर का बस एक पोजीशन होती है कि वो एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या 30 डिग्री की डायरेक्शन में लग रहा है, अब आप उसको किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट का बाउंडेशन नहीं होता, ठीक है, इसीलिए वो फ्री कहलाता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी आप उसे वहाँ बनाइए, ठीक है, तो इसीलिए उस वेक्टर को बोला जाता है फ्री वेक्टर,
ठीक है, जिसका कोई इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, बस हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मैं लिख दूं आपको टू और डायरेक्शन, अब आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन जो मैं आपको बता दूंगा। सपोज कीजिए ये वेलोसिटी थी, तो अगर मैं आपको केवल ये बताता हूँ कि कोई इतनी वेलोसिटी से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, अब अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या था, वो कहाँ से चलना शुरू हुआ था या वो कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस वेक्टर को कहाँ बनाया जा रहा है। अगर आप एक डेली के अंदर उस वेक्टर को परफॉर्म करेंगे तो भी वो एक घंटे में उतनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा जितना शायद राजस्थान में कवर करेगा, ठीक है। तो ये एक फ्री वेक्टर है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अनलाइक टू दिस, अगर आप पूछे कि भाई फ्री वेक्टर के अलावा क्या, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जयपुर से सीकर की तरफ कोई 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तब आपको ये पता होगा कि उसका इनिशियल पॉइंट जयपुर है और टर्मिनल पॉइंट उसका सीकर है, तो वो फ्री वेक्टर नहीं हुआ, वो बाउंडेड वेक्टर हुआ, दो पॉइंट्स के बीच में वो बाउंडेड है, ठीक है, अदरवाइज वो फ्री वेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर स्थिति स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश, इफ अ पॉइंट ओ इज फिक्स्ड एज ओरिजिन। देखिए, अब हम अपने जो भी हमारे थ्योरेटिकली कॉपी में हम करने वाले हैं उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है ज़रूरी, वो होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमने एक पॉइंट ले लिया फिक्स पॉइंट ओ, जिसे हम कह रहे हैं ओरिजिन इन स्पेस और प्लेन एंड P is any point, ठीक है, then OP is called position vector, ठीक है, of P. P का position vector मतलब P की स्थिति को बताने वाला सदिश कि P ओ के रेस्पेक्ट में कहां पर है, ये ओ जिसे हम ओरिजिन कहेंगे और ये एक बिंदु है पी, तो ये जो ओ पी हुआ जो कि ओ से स्टार्ट हुआ और पी तक गया, तो ये जो वेक्टर हुआ ओ पी, ये पी बिंदु का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, जो पी की स्थिति को दिखाएगा, इसीलिए स्थिति सदिश कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि OP की लेंथ क्या हुई, OP की लेंथ हुई जो इस लाइन OP की लेंथ है वही इस सदिश का परिमाण है, ठीक है। और मान लीजिए कि P जो है 30 डिग्री के एंगल पे x एक्सिस से था, तो इस P के दो पार्ट हो जाएंगे, OP वेक्टर के दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो क्या, अगर इसकी लेंथ थी 4 तो इसकी परिमाण तो हो जाएगा 4 और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज़ें आ गई, एक परिमाण और एक दिशा, ठीक है। तो इसके साथ हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर को जनरली हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, A, ठीक है, या B वेक्टर या R वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसमें इनिशियल और लास्ट पॉइंट अगर नहीं दिखाया और मैंने सिंपली कहा कि OP का पोजीशन वेक्टर है R, या मैं सिंपली कहूं कि बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है R, तो आप समझ जाएंगे कि बिंदु P केवल एक बिंदु बोलने का मतलब हुआ कि इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन और P है टर्मिनल पॉइंट। तो O से P जाने के लिए जो वेक्टर लगता है वो वेक्टर है R, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि OP
अगर ओपी आर है तो परिमाण क्या हुआ, मोड ऑफ आर, और डायरेक्शन क्या हुई, आर कैप। ठीक है, तो ये हो गया परिमाण और ये हो गया दिशा। ठीक है, तो हम किसी भी बिंदु के पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से या एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उसकी डिस्टेंस या डायरेक्शन क्या है उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे, वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर में सदिश गुणा भी होता है, अदिश गुणा भी होता है, तो ये सब कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।